नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कन्हैया कुमार एक ऐसा नाम है जो विवादों से निकला है और विवादों से ही घिरा रहता है। कोई उन्हें नायक कहता है तो कोई खलनायक। आज उनकी जीवनी बताएंगे, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि वो नायक है या फिर खलनायक। तो शुरुआत एक कहावत से करते हैं कि गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। कन्हैया कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के बिहटा गांव में जनवरी 1987 में हुआ था। यह गांव तेघरा चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है जिसे CPI का गढ़ माना जाता है। कन्हैया के पिता का नाम जयशंकर सिंह है जो एक किसान है और उनकी माता मीना देवी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। उनके बड़े भाई मणिकांत असम में एक कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर कार्यरत है। इनका परिवार हमेशा CPI का समर्थन करता रहा है। कन्हैया ने छठी तक की पढ़ाई गांव के मध्य विद्यालय मसंतपुर से की थी। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई RKC हाई स्कूल से पूरी की। स्कूल में पढ़ते वक्त उन्होंने इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई कई नाटकों में हिस्सा लिया। 2002 में उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूल के बाद उन्होंने राम रत्न सिंह कॉलेज मोकामा से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 2007 में कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना से जियोग्राफी में स्नातक की डिग्री हासिल की। पटना में कॉलेज में रहते हुए उन्होंने छात्र राजनीति में प्रवेश किया। AISF से जुड़ने के बाद अगले साल उन्हें पटना के सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। अपने स्नातकोत्तर की बधाई MA सोशियोलॉजी में पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त उन्हें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला। 2011 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अफ्रीकी स्टडीज में PhD के लिए एडमिशन लिया। 2019 में उन्होंने अपनी PhD पूरी कर ली। सितंबर 2015 में उन्हें JNU स्टूडेंट यूनियन के AISF का प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2016 मार्च में इंटरव्यू में कुमार ने कहा था कि मेरी राजनीतिक सफर में आगे बढ़ने में मेरी प्रेरणा नाम भगत सिंह है। बाद में उन्होंने अंबेडकर, गांधी और मार्क्स और बिरसा मुंडा और ज्योतिराव फूले के कदमों को शुरू किया। कन्हैया की ऑटोबायोग्राफी बिहार टू तिहार माई पॉलिटिकल जर्नी अक्टूबर 2016 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में उनके बचपन के दिनों से लेकर दिल्ली में उनके राजनीतिक भागीदारी तक की पूरी कहानी है। कन्हैया कुमार आईसा, ABVP, AISF और NSUI के उम्मीदवार को हराते हुए JNU छात्र संघ के अध्यक्ष बनने वाले पहले AISF सदस्य बने थे। 29 अप्रैल 2018 में उन्हें CPI के नेशनल काउंसिल के रूप में चुना गया। बाद में 2019 में उन्हें CPI के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जोड़ा गया। 2019 के आम चुनाव में उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बेगूसराय में सीट मिला। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार मिली और जनता ने 2,69,976 वोट दिए। गिरिराज सिंह से हारने के बाद उन्होंने दूसरा पद हासिल किया। अपनी हार के बाद उन्होंने आज तक के इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, मुझे लोगों का समर्थन प्राप्त है जिससे मैं अमीर और बड़े राजनेताओं से लड़ने का साहस रखता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की एक सूचना है कि एक आंगनबाड़ी में काम करने वाली का बेटा भी इलेक्शन लड़ सकता है। 2016 फरवरी में कन्हैया को दिल्ली पुलिस के द्वारा देशद्रोह के केस में JNU कैंपस से गिरफ्तार किया गया था। JNU के विद्यार्थियों के द्वारा सांसद पर हमला करने वाले दोषी के सजा की दूसरी सालगिरह मनाई गई थी। कन्हैया ने देश की अखंडता के विरुद्ध नारे लगाने के इल्जाम को नकार दिया। कन्हैया कुमार की अगुवानी में भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है जैसे देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे थे, मगर बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें बेल मिल गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कन्हैया और उनके अन्य 7 साथियों को अकादमिक तौर पर वंचित कर दिया गया। इसके अलावा विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा उनका विरोध किया गया। कन्हैया के दोस्त और अन्य लोग उन्हें बेहतरीन वक्ता कहते हैं। अब तक कन्हैया ने राजनीति में कोई खास मुकाम हासिल नहीं किया है, मगर वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। आगे उनकी राजनीतिक करियर में क्या मोड़ आता है ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कन्हैया नायक है या खलनायक? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।